भाई बच्चों, आज हम कक्षा 8 में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज फर्स्ट परिमेय संख्या के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली फर्स्ट। जैसा कि एग्जांपल फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए 3/7 + -6/11 +8/21 +5/22। अब देखना, इसको एक जगह करेंगे और इसको एक जगह करेंगे, ऐसे बड़े कोष्टक के अंदर लेंगे। प्लस माइनस के 8/21, और अब इसको एक जगह करेंगे। कर लिए। ये कौन सा नियम कहलाता है? कर्म विनिमयता और सहस्रेयता। कर्म विनिमय, कर्म विनिमयता और सहस्रेयता। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कहने का मतलब लघुत्तम लेंगे 21। और अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 7 का इसमें भाग दोगे, 3 बार जाता है, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, और ये माइनस के 8 आ जाएंगे ऐसे। कैसे अगले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अगले में, सोचो क्या आएगा अगले में। सॉरी, ये ऐसा कैसा नोट कर दिया, 6 आना चाहिए था, 6/11, तो अगले में आएगा 22। ये 2 बार आता है कह रही है पढ़े में टेबल में, तो 2 से गुणा करोगे माइनस के 12 और प्लस के 5 ऐसे कैसे। अब आगे आगे सोल्व करेंगे, कितना आएगा इन दोनों को, 1/21 प्लस माइनस का 7/22 माइनस का 1/21 प्लस का सॉरी सॉरी प्लस का 1/21 प्लस माइनस का 7/22 इक्वल। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 21 × 22। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो देखा जाएगा। जैसा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारे पास 462। देखना ये 22 बार हो रहा है, 21 बार, तो 21 में एक बार और होगा प्लस, सॉरी ये माइनस का तो माइनस आएगा, और 21 को 7 से गुणा करोगे तो 147 बराबर, नीचे वाले को गुणा किया 462 और इसको घटाया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे, अगला एग्जांपल मल्टीप्लाई वाला करेंगे। देखते हैं क्या होते हैं। अगला एग्जांपल है सेकंड, माइनस का 4/5 × 3/7 × 15/16 × − 14/9। अब इसमें क्या करेंगे,
इसी प्रकार इन दोनों को और इन दोनों को देखते हैं क्या होता है। माइनस के चार बटा पांच इंटू तीन बटा सात, और ये कर लिया। इसके बाद इनको पंद्रह बटे सोलह इंटू माइनस के चौदह बटे नौ। अब आगे देखते हैं, आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे पैंतीस ऊपर क्या आएगा, सोचो ऊपर क्या आएगा। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के बारह मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखते हैं क्या होगा। इसमें कट रही है कुछ, ये कट रही है तीन के पड़े से तीन बार, और ये कट रहा है पांच बार, ये कट रहा है दो के पड़े से सात बार, ये कट रहा है आठ बार। तो आठ की चौबीस, सात पंजों पैंतीस, वो भी किसके माइनस के। अब इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पैंतीस मल्टीप्लाई चौबीस और माइनस के बारह मल्टीप्लाई माइनस के पैंतीस। माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया। अब ये इससे तो ये कट रहा है, ये एक बार कट रहा है और ये दो बार, तो इक्वल एक बटा दो, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं अगला क्या है। योज्य प्रतिलोम, एग्जाम्पल थर्ड, योज्य प्रतिलोम। इसका फर्स्ट योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो देखते हैं। माइनस के सात बटे उन्नीस का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम बराबर, ये माइनस का है तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, सात बटे उन्नीस। अब इसकी जांच करेंगे सही है या गलत। जीरो आ जाता है तो सही है, और जीरो नहीं आता है तो रॉन्ग है। अब इनको जांच कैसे करेंगे, प्लस करके जांच करेंगे इसकी। बराबर उन्नीस लघुतम आ रहा है, माइनस सात प्लस सात बराबर जीरो बटा उन्नीस, जीरो आ गया है ना, मतलब सही है। इसका सेकेंड इक्कीस बटा एक सौ बारह का योज्य प्रतिलोम, इसका उल्टा होगा माइनस इक्कीस बटे एक सौ बारह। अब इसकी जांच करेंगे, इक्कीस बटे एक सौ बारह प्लस माइनस इक्कीस बटे एक सौ बारह बराबर बटा एक सौ बारह, इक्कीस माइनस इक्कीस बराबर जीरो बटा एक सौ बारह बराबर जीरो, ये भी क्या है, सही है।